नमस्कार, NIOS के योग आसन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सुखासन। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम इसकी सावधानियां सीखेंगे, जानेंगे, और उसके बाद हम इसकी विधि कैसे करते हैं, और उसके बाद हम इसके लाभों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आइए जानें किसे ये आसन नहीं करना चाहिए या सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर आप घुटने के दर्द से पीड़ित हैं तो आपको यह आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी से परेशान व्यक्ति भी इस आसन को करते हैं तो कम समय के लिए करें या दीवार से सट के ये आसन करें, दीवार से पीठ टिकाकर। यह आसन हमेशा खाली पेट करना चाहिए और इसे थोड़ा शांत वातावरण में और अच्छी वायु जहाँ हो वहाँ पे करना चाहिए। साइटिका के रोगियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। सो आए देखें कैसे करते हैं ये आसन। ये बहुत ही, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सुखासन सुखपूर्वक किया जाने वाला आसन है और इससे फायदे, इसके लाभ बहुत सारे हैं। तो चलिए देखें हम कैसे करते हैं सुखासन। सबसे पहले तो आप पैरों को सीधा रखें, फिर एक पैर घुटनों से मोड़ेंगे दूसरे जंघा के नीचे, दूसरा पैर मोड़ के पहले जंघा के नीचे। इस तरह से हम सीधा बैठ जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, ना हमें पैर उठा के ऊपर रखना है, जस्ट इस तरह से। और हाथों को, दो तरह से हाथों को हम रख सकते हैं। एक है ये ध्यान मुद्रा में हाथों को रखें, ज्ञान मुद्रा में, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, गला गर्दन पूरी ऊपर की ओर तनी हुई, और आंखों को धीरे से बंद करेंगे। दूसरा ढंग है कि अपने बाएं हाथ के ऊपर, बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखेंगे, अपने नमस्कार। NIOS के योग आसन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, पीछे के सारे मांसपेशियों को खिंचाव देता है, हमारे मेरुदंड को खिंचाव देता है, जंघा को खिंचाव देता है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इसकी कुछ सावधानियाँ भी हैं, जो सबसे पहले तो हम इस विधि को देखते हैं, उसके बाद इसके लाभ और सावधानियों पे विचार करेंगे, उन्हें समझेंगे। सबसे पहले देखें पश्चिम उत्तान आसन कैसे करते हैं। अपने मैट पे सीधा बैठें, अपने पैरों को आगे सीधा रखें और दंड आसन में बैठें। इसमें अपने मेरुदंड को सीधा रखते हैं, अपने हाथों को अपने नितंब के साइड में ऐसे लगा के रखना है, छुट्टी सीधी, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पंजे मिले हुए, और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए। और यहाँ हम अपने मेरुदंड को अच्छी खिंचाव देने के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ फंसा के इस तरह से ऊपर की ओर तानेंगे, जिससे मेरुदंड पूरा खुल जाएगा और बगल में भी थोड़ा झुकेंगे, और इससे हमारा पूरा शरीर इस आसन को करने के लिए तैयार हो जाएगा। पैर को अपनी ओर खींचें, हाथों को ऊपर, सिर को थोड़ा ऊपर करके अपने उंगलियों की तरफ देखें, हाथों को आगे खींचते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे, झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। या तो आप उंगलियों को पकड़ें या अपने पैर को साइड से पकड़ सकते हैं, घुटने मिले होंगे, अपने शरीर को आगे खींचिए और धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को आगे निकाल के थोड़ी देर के लिए झुकेंगे। मांसपेशियाँ इस स्थिति में हमारे शरीर की एडजस्ट होनी चाहिए। उसके बाद
सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा आगे खींचते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। अपनी कोहनियों को नीचे जमीन की ओर झुकाएं। कंधों को ढीला छोड़ें। इस स्थिति में सामान्य सांस लेते रहना चाहिए और थोड़ी देर, लाइक 20 सेकेंड से 30 सेकेंड अगर इसको होल्ड करते हैं तो हमारे शरीर का सारा भाग पीछे का खिंच जाएगा। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आगे खींचते हुए ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए अपने हाथों को वापस अपनी जगह पे। ये था पश्चिमोत्तान आसन। इसके पहले कि हम इसकी सावधानियों लाभ को जानें, सबसे पहले हम इसका जो हमें इसके जस्ट इसके बाद एक आसन करना चाहिए ये है पूर्वोत्तान आसन, जिससे कि जो हम आगे झुकते हैं हमारी कमर आगे की ओर झुकती है तो उसको बैलेंस में लाने के लिए हमारे शरीर का जस्ट उसको विपरीत दिशा में बॉडी को करने के लिए हम करते हैं पूर्वोत्तान आसन। तो चले देखें पूर्वोत्तान आसन कैसे करेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे। धीरे धीरे अपने बटक्स को ऊपर उठाना है और अपने पूरे पैर का पूरा जो तलवा है वो जमीन में लगाएंगे, घुटने सीधे। इस स्थिति में थोड़ी देर रहेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये था पूर्वोत्तान आसन जो हमारे सामने के शरीर को खींचता है। पश्चिमोत्तान आसन करने के बाद यह आसन हमें जरूर करना चाहिए। तो आएं देखें पश्चिमोत्तान आसन में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पेट में अल्सर है या पेट से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड कोई बीमारी है तो हमें पश्चिमोत्तान आसन नहीं करना चाहिए। पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो हमारा पेट खाली हो तभी ये आसन करना चाहिए। जैसा आपने देखा इसमें हमारा पेट पूरा हमारे पैरों पे दोहरा हो जाता है, ऐसे में पेट खाली हो पेट को अंदर खींच के ही ये आसन करते हैं। और जब भी हम इस आसन को करते हैं जैसे आपने देखा होगा जल्दीबाजी या झटके के साथ नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले तो हम सीधा बैठेंगे और बहुत धीरे धीरे सांसों की गति के साथ इस आसन को करते हैं। आगे झुकते समय सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और जब हम ऊपर उठना है तो हम अपने हाथ को आगे खींचते हुए ऊपर तान कर ऊपर उठेंगे सांस लेते हुए। तो जिसके भी ऐसे में पेट पर चूंकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो पेट के किसी भी प्रॉब्लम, आंतों में सूजन हो, हर्निया हो, अल्सर हो, ऐसे में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कमर में तकलीफ है तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए। और इस आसन के बाद चूंकि इस आसन में हम आगे की ओर झुकते हैं, एक सावधानी यह है कि जैसे मैंने अभी दिखाया कि हमें इस आसन के तुरंत बाद पूर्वोत्तान आसन करना चाहिए, कुछ लोग इस आसन के बाद भुजंग आसन या शलभ आसन भी कर लेते हैं। सो दोनों आसन ठीक उल्टा आपके मेरुदंड को उल्टी तरफ खींचता है। तो ये थी सावधानियाँ जो हमें पश्चिमोत्तान आसन करने से पहले ध्यान देना है। इसके बाद आइए चले देखें इसके लाभ क्या क्या हैं। पश्चिमोत्तान आसन
मेरुदंड को लचीला बनाता है और इसके नियमित अभ्यास से शरीर की हाइट भी बढ़ाई जा सकती है। यह पैरों की कोई भी समस्या हो, जैसे कि मांसपेशियां आपकी कमज़ोर हों तो उन्हें मजबूत बनाता है, अगर वो कड़क हैं तो उन्हें लचीला बनाता है, तो मांसपेशियों के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, पैरों की मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है। यह पेट की चर्बी को कम करता है और पेट की पेशियों को भी मजबूत करता है और अपच, कब्ज आदि को दूर करता है। पश्चिमोत्तान के अभ्यास से त्वचा रोग भी दूर करने में सहायता मिलती है। पश्चिमोत्तान का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप तनाव पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध को दूर रखना, मन को शांत और प्रसन्न रखना इस आसन से पॉसिबल है, संभव है। इससे अनिद्रा रोग में भी लाभ प्राप्त होता है। इसमें गुर्दे की बीमारी, किडनी की जो प्रॉब्लम होती है उसको रोका जा सकता है अगर आप ये हमेशा करते हैं तो, चूंकि ये किडनी पे अच्छा प्रेशर डालता है जब आप आगे झुकते हैं तो उसमें अच्छे रक्त का संचार होता है जिसके कारण गुर्दे की बीमारी कभी नहीं होती है। यह शरीर में रक्त का प्रभाव भी बेहतर करता है और इस तरह से चेहरे पे तेज लाता है। तो ये था पश्चिमोत्तान आसन। तो अभी हमने देखा पश्चिमोत्तान आसन करने की विधि, उसके उसकी सावधानियाँ और उसके लाभ, कि अगर आपका पैर का की मांसपेशियाँ कड़क हैं, आप नहीं कर पाते हो, या आपको थोड़ा बहुत पीठ मेरुदंड में दर्द है, तो आप इसका एक इजी वर्सन है जानू शीर्षासन, वो कर सकते हैं। बेनिफिट सारे इसके आपके पश्चिमोत्तान आसन के समान ही रहेगा। आइए देखें जानू शीर्षासन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने पैर को सीधा कर लें, आगे सीधा बैठें, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और उसे दाईं जंघा के पास में लगाएंगे। दाहिना पैर सीधा आगे, आपके पंजे आपकी ओर मुड़े हुए। इसमें भी जैसे हमने पश्चिमोत्तान आसन में हाथों को ऊपर किया था, यहाँ भी हाथ ऊपर करेंगे, ऊपर देखेंगे और आगे की ओर शरीर को खींचते हुए सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करेंगे और अपने दाहिने पंजे को पकड़ेंगे या अंगूठे को, और इस तरह से धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने बॉडी को आगे खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, सांस लेंगे, हाथों को आगे खींचेंगे, फिर कान के साथ बांह को लगाते हुए ऊपर, एक्सहेल नीचे। इस तरह से हम दूसरी ओर से भी करेंगे, कभी भी एक ओर से नहीं करते हैं कोई भी आसन। दूसरी ओर से बाएं पैर को सीधा, लेग पोजीशन इंटरचेंज्ड, दाहिना पैर आपका ऐसे बाएं पैर के अंदर से जांघों को लगेगा। इनहेल, सांसों को हाथों को ऊपर ऊपर देखें, आगे की ओर शरीर को खींचते हुए एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार अपने शरीर को इसमें एडजस्ट होने दें, इस पोजीशन में, फिर सांस को लेके आगे की ओर शरीर को खींचे और फिर सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए शरीर को नीचे जाने दें। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे धीरे नीचे करेंगे।
जैसे पश्चिमोत्तानासन के बाद हमने पूर्वोत्तानासन किया, उसी तरह धनुशीर्षासन के बाद भी हम पूर्वोत्तानासन करेंगे या भुजंगासन या शलभासन, ज़्यादातर पूर्वोत्तानासन करते हैं जो हमने अभी पहले देखा था। आशा है आपको ये आसन करना आसान लगा होगा। धन्यवाद।